सो हे गाइस वेलकम बैक। आज ना बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस और एक्साइटिंग चीज करने जा रहे हैं। देखो इस बार मैं अकेला नहीं हूँ, मैंने अपने दोस्त से कल रात को बात की, यार मैं ये चीज करना चाहता हूँ। वो बोलता है यार आइडिया बहुत अच्छा है, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। और मैं और मेरा दोस्त जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस भी है और मतलब एक्साइटिंग भी है, खुशी भी बड़ी है कि यार जा रहे हैं एक बार देखते हैं। क्यूरियोसिटी बड़ी थी कि उस बार है क्या। अभी सुबह के ना 7 बज रहे हैं और सारी मार्केट्स वगैरह बंद है, बस मैं और मेरा दोस्त और बाकी कुछ लोग सुबह जॉगिंग वगैरह करने वाले बाहर निकले हुए हैं या जिनको कुछ जॉब वगैरह पे जाना है वो निकले हुए हैं। अच्छा अभी हम रिक्शा पे बैठ गए हैं और अभी हम जा रहे हैं उस अपनी डेस्टिनेशन पे जहाँ से हमारा वो एडवेंचरस जर्नी स्टार्ट होगी। देखो अभी मैं आपको उस जगह का नाम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो काफ़ी डेंजरस भी है और एडवेंचरस भी है, तो अभी हमारा फुल माइंड बना हुआ नहीं है कि हम जर्नी पे जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसलिए वहाँ पे एक बार पहुँचते हैं, एक बार दिल को तसल्ली देते हैं कि हाँ यार हम कर सकते हैं, तभी आपको बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। अब मैंने अपने दोस्त को तो बताया हुआ है कि हम कहाँ जा रहे हैं, अब इससे पूछते हैं। देखो ये है यूसुफ, अब इससे पूछते हैं कि यार जो मैंने तेरे को चीज़ बताई है हम कर पाएंगे यार, देखते हैं। मेन बंदा यही है जो जो बोल रहे हैं हिम्मत नहीं, डेंजरस है नहीं करेंगे, पहले देखेंगे वहाँ पे सिचुएशन जाती कैसी होती है तभी करेंगे। मैं इसे ही बोल रहा हूँ कि नहीं यार कर लेंगे, कर लेंगे, कुछ नहीं होता, अच्छा है। अभी मुझे ध्यान आया कि यार इतना सस्पेंस बनाने का तो कोई फायदा ही नहीं है, अगर मैं गया तो मैंने वहाँ का तो थंबनेल डालना ही है, आप पहले से ही जान लोगे। लेकिन जो भी है ये अभी ना ये दिल की बातें हैं कि हम रियल में डरे हुए हैं कि यार हाँ हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो अगर गए तो आपको तो वाह यार, आपके तो मज़े आपको पता चल जाएगा। अभी हम जा रहे हैं, देखो यार अभी हम रिक्शा में ही हैं, अभी पिछले लास्ट 10 मिनट से जा ही रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो यार अभी हम अपनी लोकेशन पे तो पहुंच गए हैं, बस थोड़ा सा आगे चलना है, 200 मीटर आगे चलना है, आ जाएगी हमारी लोकेशन, अब चल के देखते हैं क्या होता है। अच्छा ये देख के तो आपको कुछ समझ आया होगा, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि तुम्हारे भाई को ना उस पार जाने का बड़ा मन है। यहाँ पे बोट्स वगैरह जो है ना, वो वाली बोट्स, ये वाली बोट्स है, इन पे बैठने से थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन अब ऐसा है कि जब किसी चीज़ का मन होता है तो कर देना चाहिए, एडवेंचर्स होगा लेकिन करना चाहिए। अभी हम लाइफ जैकेट का कुछ बंदोबस्त कर रहे हैं, कहीं से लाइफ जैकेट वगैरह मिल जाए तो वो पहन के जाएं। और दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि अभी हमारी सवारियाँ नहीं आई हैं, जब कोई कस्टमर्स वगैरह आएंगे तभी हम निकलेंगे, और अभी हम यहाँ पे इनका वेट कर रहे हैं। 8 बज गए हैं, बोल रहे हैं 9:30 बजे तक हम निकलेंगे वहाँ पे। और जहाँ तक मैंने सुना हुआ है, देखो बोट वाले से पूछा, वो बोल रहा है कि अराउंड 1 घंटा आपको लगेगा जाने में, यहाँ से ऐसे निकलेगी इस एरिया से घूमते 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 वो उधर जाएगी, उधर से घूम के फिर वहाँ पे जाएगी, और वहाँ पे अराउंड 3 गांव हैं उस साइड पे, और उन गांव के उस साइड पे इंडियन बॉर्डर है। अब देखते हैं, चल के देखते हैं क्या होता है, अगर गए तो आपको भी पता चलेगा। यार अभी 9 बज गए और अभी ये बोट आई है, काफ़ी टाइम वेट करना पड़ा, अभी चलते हैं। देखो पीछे से लोग, ये जितने भी लोग हैं सारे जाएंगे और हम भी इसी बोट में जाएंगे, देखते हैं अब क्या होता है। और लाइफ वेस्ट वगैरह नहीं मिली है, ये बोट नीचे क्या डाला हुआ। बोट में तो अभी हम चढ़ गए हैं, काफ़ी सारी सवारियां आ गई हैं और बोल रहे हैं कि अभी कुछ अराउंड 1 घंटा लगेगा वहाँ पे जाने में, और दिख भी नहीं रहा भाई ये कितना दूर है, 1 घंटा बोल रहे हैं कि 1 घंटा लगेगा जाने में। और बोल रहे हैं कि बीच में ना ये जो दरिया है बीच में पानी कम हो गया तो थोड़ा रेत ऊपर आ गया, इस वजह से थोड़ा स्लो जाती है और घूम के जाती है, इस वजह से 1 घंटा लगेगा। और एक और बात है, धूप के चटके जो है ना वो अभी ख़तरनाक पड़ रहे हैं, क्योंकि मैंने तो सोचा था सुबह सुबह आएंगे और सुबह सुबह चले जाएंगे, उस टाइम धूप वगैरह पड़ेगी नहीं ज़्यादा, लेकिन अभी ये बोट काफ़ी लेट चल रही है, 9 बज गए हैं ऑलरेडी, तो उस वजह से धूप काफ़ी तेज़ है, लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, धूप तो झेल लेंगे।
धूप का बंदोबस्त मिल गया। यहाँ से ये दबा रहे पानी में, आप इसे धकेले, मुझे जहाँ तक लग रहा है अभी चलने वाला। यहाँ पे इन्होंने हमसे बोट का 30-30 टका लिया है किराया, और बोट का किराया था जहाँ पे जहाँ से ये रुकती है बोट, वहाँ पे उन्होंने हमसे कुछ लिया 10-10 टका दोनों से, 20 टका। अच्छा, जो हमारे भाई वहाँ पे बैठे हुए थे ये वापस आ गए, बोट तो चल गई है, देखो उस साइड जा रही है। अभी इनसे पूछते हैं कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है भाई। एक्सपीरियंस यही है भाई, लाइफ जैकेट तो है नहीं है इसमें, थोड़ा सा रिस्क का लाइफ। 10 रुपये की टिकट ली है, अभी भी ये लाइफ जैकेट ढूंढ। 30-30 रुपये की टिकट है, 10 रुपये की नहीं है। 10 रुपये वहाँ पे 10-10 टका हमने दिया ना वहाँ पे बाड़ा पोर्ट का, तो अभी चल रहे हैं, देख रहे हैं। ये लोग तो जो हमारे साथ के लोग हैं ना, काफ़ी सारे लोग बातें कर रहे हैं, भाई आप कहाँ से हो, कहाँ जा रहे हो, क्या हो रहा है, प्रेस से हो क्या? हमने कहा हाँ जी प्रेस से, यहाँ से आपका जो गाँव है उसका डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहे हैं और बताएंगे दुनिया को कि कैसा गांव है। लेकिन बाकी मजाक छोड़ के, तो लोग काफ़ी अच्छे हैं यार, काफ़ी मतलब खुश हैं और मतलब एक्साइटेड हैं कि यार ये कहां से लड़के आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं। और दूसरी बात कि कोई डर वर की बात नहीं है, क्योंकि ये बोट काफ़ी बड़ी है तो ज़्यादा हिलती जुलती नहीं है, है ना, बोट हिलती बहरा नहीं है, ये बैलेंस इसका अच्छा बैलेंस। और लास्ट पे हमें बैठने भी नहीं दे रहे कि बोट नीचे दब जाती है, तो उस वजह से क्या होता है कि इसको ज़्यादा ड्रैग मिलता है, ईजिली फ्लोट नहीं कर पाती है। तो बस यही सीन है, वो देखो हमारे एक कैप्टन वहाँ पे और एक कैप्टन यहाँ पे तुम्हारे जैक स्पैरो। देखो यार अभी हम ना इस साइड शहर है, राजशाही शहर इस साइड पे है, ये वाली जो साइड है, अभी हम करते हैं शहर को बाय बाय और इस साइड जाएंगे। ये पहले आगे जाएगी, आगे से घूम के उस साइड जाएगी वो, क्योंकि यहाँ पे बीच में ना, यहाँ पे बीच में काफ़ी सारा रेत है और वहाँ पे वाटर का लेवल काफ़ी कम है, तो नीचे बोट अटक जाती है, इस वजह से ये घुमा के नीचे से लेके जाएंगे उस साइड पे। निकल पड़ा आज तुम्हारा भाई जैक स्पैरो बांग्लादेश के एक बिल्कुल रिमोट आइलैंड पे, और इस साइड पे है वो आइलैंड और इस साइड पे है शहर। और अभी पता है कैसे फील हो रहा है, जैक स्पैरो भाई कहते हैं ना हमारे वजूद का हर एक हिस्सा जिंदगी की आखिरी कड़ी है, अभी बिल्कुल खतरों के खिलाड़ी बने हुए हैं हम, मज़ा आ रहा है काफ़ी। ये बोट ज़्यादा हिल विल नहीं रही है लेकिन मज़ा भरपूर आ रहा है पूरा, धूप काफ़ी लग रही है, तो बैग मैंने अपने सर पे रख दिया, तो सर थोड़ा गर्म हो रहा था, तो हमने कहा भाई सर को भी ठंडा कर देंगे बहुत अच्छे से। और देखो वहाँ पे अभी कुछ प्लांटेशन नज़र आ रही है, लेकिन इसके उस पार ही हमें जाना है, इसको तो क्रॉस करना है, आगे जाना है, देखते हैं अब क्या होता है। ये यहाँ पे ना बीच में एक आइलैंड बना पड़ा है, यहाँ पे जो जहाँ से अभी हम बैठे हैं ना वहाँ से यहाँ तक लोग आते हैं, हम भी काफ़ी बार आए हैं इस जगह पे, लेकिन इस बार हमने सोचा था कि इस बार हमें उस पार जाना है, इसको भी क्रॉस करना है, वहाँ पे जाना है। अभी ना काफ़ी देर से बोट काफ़ी स्लो हो गई थी, पिछले 5-10 मिनट से, पीछे से कैप्टन के पास से आए ये यहाँ पे और आके चेक करें पानी की गहराई कितनी है, इन्होंने बोल दिया बहुत पानी, जान देन भाई, तो अभी निकल रहे हैं यहाँ से आगे। मुझे डर लगने लगा था, और हिल भी रही थी यहाँ पे बोट काफ़ी ज़्यादा, करंट ज़्यादा है पानी का यहाँ पे, तो मैंने सोचा पता नहीं क्या सीन हो गया, क्यों इतना स्लो क्यों कर गए, लेकिन पीछे से आके इन्होंने यहाँ पे आके आगे पानी का लेवल चेक किया कितना गहरा है यहाँ पे पानी, बोट निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी। और आगे हमारे ना काफ़ी सारी बोट्स वगैरह दिख रही हैं, अभी आपको दिखेगा वहाँ पे काफ़ी सारी बोट्स वगैरह हैं। चाचा ये जो ग्राम में बोट जाए और ग्रामर नाम की, अच्छा देखो यार एक ये बोट आ रही है, ये उस गांव से आ रही है यहाँ अभी बोट, इस पे ज़्यादा रश है क्योंकि वहाँ से लोग अब सिटी में आएंगे काम वगैरह करने वाले, हमारी बोट में ज़्यादा रश नहीं है, ये वाली बोट में ज़्यादा रश है। और हर बंदा यहाँ पे पूछ रहा है भाई आप कहाँ कहाँ आ गए, इस साइड क्यों आए हो, इस साइड तो कुछ ज़्यादा आता नहीं है, कोई बंदा आता भी नहीं, राजशाही के भी लोग नहीं आते, जहाँ तक इन्होंने बोला इस बोट पे बैठ के रिज़र्व करके जा सकते हैं, मुझे नहीं पता जाते होंगे, लेकिन ये बोल रहे हैं इस बोट पे कोई नहीं जाता राजशाही वाला भी, यहाँ पे कोई आता नहीं है, इस साइड किस लिए जा रहे हो, कुछ है नहीं है वहाँ पे देखने के लिए। हमने वही तो कहा भाई हमें तो वही जगह देखनी है जहाँ पे कुछ नहीं है, देखें तो सही कैसे लोग वहाँ पे रहते हैं उस आइलैंड पे,
या जो जगह है वहाँ पे कैसे रहते हैं? पिछले कुछ अराउंड 30 मिनट के बाद ना मुझे कोई दूर कहीं इंसान दिखे वहाँ पे, बाकी ऐसे बोट वगैरह पे दिख रहे थे, कोई नीचे धरती पे इंसान नहीं दिख रहा था। लगता है अभी पहुँचने ही वाले हैं। इतना वो एक घंटा वगैरह बोल रहे थे, वैसा एक घंटा नहीं लग रहा है मुझे जहाँ तक लग रहा है। अगर ये हुआ, ये वाला जो अभी किनारा आ रहा है यही हुआ, तो फिर एक घंटा नहीं लगता है। वैसे भी अभी प्लेन इलाके में जगह बड़ी पास लगती है, जब वहाँ तक जाते हो तो काफ़ी दूर हो जाता है। अभी देखते हैं क्या होता है। देखो ना यार, वो उधर राजशाही सिटी दिख रही होगी तो आपको पता चलेगा कि कैसे दिख रही है। अभी ये वाला जो है ना यहाँ तक जाएगी, इसके बाद हमें अलग बोट लेनी है शायद से, है ना मामा? एयरपोर्ट नूतन नौका नीते हो बे, और नौका नीते हो बे भाई। अभी ऐसा सीन है कि अभी पानी का लेवल थोड़ा कम है, यहाँ तक इस आइलैंड पे उतारेंगे ये हमें, यहाँ से अभी हम चल के जाएंगे दूसरी साइड पे, वहाँ से दूसरी बोट लेनी पड़ेगी। जैसे अभी ये बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है क्या बोल रहे हैं, शायद से लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी, शायद से यही चली जाएगी, देखते हैं क्या होता है। लेकिन देखो ना वहाँ पे वो बंदा चल रहा है पानी में, इतना ज़्यादा लेवल नहीं है पानी का। वाह यार, ये वाला एक्सपीरियंस मैंने लाइफ में कभी नहीं लिया हुआ था यार, ये ख़तरनाक एक्सपीरियंस है और बिल्कुल रॉ है यार। रिजर्व करा के बोट आते उसमें क्या मज़ा आता, यहाँ पे लोकल्स वगैरह हैं, लोकल्स वगैरह के साथ ज़्यादा मज़ा आता है। जब ये पद्दा रिवर आता है ना फास्ट, ज़्यादा तेज़ आता है, ये सब कुछ ले कर साथ चला जाता है। देखो यार, अभी चाचा से दोबारा से कंफर्म किया कि कहाँ जा रहे हैं। मैंने सोचा था यहाँ पे ये उतार देगी, दूसरी नौका लेनी पड़ेगी हमें, नौका मतलब बोट नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन ये अभी वहाँ से घूम के इधर आ गए और अभी हमें स्ट्रेट जाना है, स्ट्रेट जाके फिर आगे से लेफ्ट टर्न लेना है, फिर आएगा जिस गाँव में हमें उतरना होगा वो वहाँ पर गाँव आएगा। देखते हैं अब क्या होता है। देखो यार, एक बात आपको बता देता हूँ, हम अभी ना बॉर्डर के बिल्कुल पास आ गए। ये जो बड़े वाले पेड़ दिख रहे हैं ना, वो इंडिया में है, ऐसा अभी ये जो बोट में लोग हैं वो उन्होंने बताया, वो इंडिया है या फिर उनके पीछे इंडिया है। पिछले कुछ 5 मिनट से देख रहा था कि बीच बीच में बॉटल्स पड़ी हुई थी, ये प्लास्टिक की बॉटल्स दरिया के अंदर, मैंने सोचा पता नहीं ये क्यों यहाँ पे रखी हुई है। तो अभी मैंने पीछे पूछा एक बंदे से कि यार यहाँ पे ये बॉटल्स क्यों है, वो बोल रहे हैं अंदर इसके जाल है, मतलब मछलियों का वो नेट डाला हुआ है। ये वाली जो बॉटल्स हैं ये फिश नेट्स हैं, अंदर डाले हुए, यहाँ से पकड़ेंगे फिर खाएंगे, ये मस्ती करेंगे और वापस सिटी में भी आएगा। खड़े रह रह के अब भाई थक गए, ज़्यादा नहीं खड़ा रह जा रहा क्योंकि पिछले 45 मिनट से ऐसे ही खड़े हैं। अब देख रहे हैं कब आएगा, आ ही रहा, वैसे लग रहा है सही कह रहे थे कि एक घंटा लगेगा, एक घंटा लगने ही वाला है। आगे अब मुझे समझ नहीं आ रही है, आगे बिल्कुल डेड एंड दिख रहा है, मे भी वहाँ से बीच में से लेफ्ट रास्ता होगा, लेकिन बिल्कुल डेड एंड दिख रहा है, पता नहीं कहाँ से लेके जाएगा ये बंदा। अब यहाँ पे आके अब ये इधर घूमेगी, हाँ इस साइड घूमेगी ये बोट। मैंने सोचा था पूरा बड़ा सा दरिया होगा, किनारे पे जाके लग जाएगा, लेकिन बीच में ना ये काफ़ी सारी आइलैंड वगैरह हैं और बीच में से गुजर के जाना पड़ रहा है। यार यहाँ तक तो अभी हम आ गए हैं, ये वाली बोट यहाँ पे रोकेगी, यहाँ पे ना छोटे वाली बोट्स हैं वो यहाँ से लेके आगे गांव में छोड़ेंगी, ऐसा ये अभी बोल रहे हैं। जैसे वो आगे बोट है, उस बोट पे ऑलरेडी सवारियाँ बैठी हुई हैं काफ़ी सारी, वो आएंगी इसमें शिफ्ट होंगी, ये वापस लेके जाएगी और वो वाली जो बोट है वो हमें आगे लेके जाएगी, ऐसा बोल रहे हैं। बाकी तो यहाँ पे उतने की तो कोई जगह दिख नहीं रही है, अब देखते हैं क्या होता है। भाई देखा क्या झटका लगा, और उधर देखो ना घर ही बने हुए हैं भाई, मस्त घर बना के बैठे हुए लोग। अकुन भाई कौन बोट रहे जाते हो? अरे यार बोट नहीं लेनी है, बोट यहाँ से नहीं लेनी है, यहाँ से अभी ऐसा सुनने को आया है कि अभी आपको यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। अभी जैसे सारी पब्लिक जा रही है हम भी वैसे ही जाएंगे। ओ भाई शूज़ खोलने को बोल रहे हैं साइड हो जा, शूज़ खोल के जाना पड़ेगा।
थोड़े एरिए में, शूज खोल के ज़्यादा नहीं जाना है, थोड़ा ही जाना है। देखो यार यहाँ पे कितना कीचड़ है, यहाँ से अब शूज खोल के ही जाना पड़ेगा। निकल जाएंगे यार बिना शूज खोले, निकल जाएंगे भाई। कहाँ फंस गए भाई, हमने सोचा था पता नहीं ये सीधा गांव में जाके उतारेगी, ये कहीं और उतार रही है, बट पता नहीं अब क्या होगा। देखो ना यहाँ पे अभी हमें बिल्कुल स्ट्रैंडेड आइलैंड है, ये समझ नहीं आ रही है, पता नहीं आगे जाना कहाँ है। लेकिन ये जैसे ये लोग जैसे निकल रहे ना वैसे ही हम भी निकल जाएंगे, इस तरह जाना हुआ तो। पॉलीथीन यहाँ से ही बोट से दो मिले, पॉलीथीन पकड़े, और पॉलीथीन पहले इसको लगा के भिजवा रहा हूँ, जाए ये पहले क्रॉस करे, फिर मुझे कहीं से पकड़ाए किसी तरह से, फिर मैं निकलता हूँ। पहले यूसुफ जा रहा है, जा। हाँ आराम से आराम से आराम से, बहुत अच्छा। सुन सुन, हाँ जो जो ऊंची ऊंची उठी हुई जगह है ना उस पे जा जंप मार, सामने तेरे आ गया वो जगह उस पे, हाँ हाँ वहाँ पे, बीच में नहीं स्लिप हो जाना। वाह यार, अब ये मेरे को पॉलिथिन कैसे देगा। ना ना रुक जा, कोई किसी कोई पत्थर वगैरह डाल के फेंक। है यूसुफ, मैं सोच रहा हूँ बोर्ड से थोड़ा सा घास निकाल के लाऊँ, वो यहाँ पे डालूँ फिर निकलूँ। तो यार तुम्हारे भाई ने ये कुछ दो चार बोर्ड से निकाली और जूते हैं सफ़ेद, अब उतारूँ या ना उतारूँ। यार छोड़ो अब कितने गंदे होंगे, इनको यहाँ पे अभी तो नहीं डालूँगा, आगे देख के डालूँगा। यार ये किस तरह ये भाई, ये बीच वो है, ओके।